Good morning. I don't like classical anatomy, B.A. second year. For the course, I'm a champion. The program at this unit had 6 of the Shaykh Vikas Murthy. के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उस टॉपिक में हमने जो पहले पढ़ा था शिक्षक की आचार संहिता के बारे में पढ़ा। शिक्षक की आचार संहिता के साथ साथ में ही शिक्षक की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए उनके बारे में अध्ययन करने के बाद में आज हमारा टॉपिक चलता है आगे बढ़ता हुआ कि भौतिक और रासायनिक विज्ञान शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है उनके बारे में। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दायित्व बढ़ते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती है तो व्यक्ति की कार्य करने में निखार आता है और वह व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनने के राह पर आगे बढ़ता है। तो एक शिक्षक के लिए क्योंकि वह राष्ट्र निर्माता है मानव का निर्माण कर रहा है इतिहास का निर्माता है इसलिए उस शिक्षक के लिए यह दायित्व उठाना ईमानदारी से कर्तव्य के साथ में वह उस ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करेगा तो वह अपनी व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखता है। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक और रासायनिक विज्ञान शिक्षक की क्या उत्तरदायित्व है। अब मैं आपको भौतिक और रासायनिक विज्ञान पढ़ाना हूँ तो मेरा क्या उत्तरदायित्व है कि मुझे उस विषय का पूर्ण ज्ञान ठीक है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसकी आपको जानकारियां रखनी पड़ती हैं और यदि आप जानकारियां रखेंगे तो आप बालकों के प्रश्नों का जवाब सही ढंग से सटीक रूप से दे पाएंगे। दूसरा आता है प्रयोग करने की क्षमता। अब देखिए मैं भौतिक विज्ञान का टीचर हूँ ठीक है या रसायन विज्ञान का टीचर हूँ लेकिन मुझे जब प्रयोगशाला में आया पर मुझे प्रयोग करना ही नहीं आ रहा है प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी उस टीचर को प्रयोग आना चाहिए यानी प्रैक्टिकल वर्क उसने किया हुआ हो और वह उस कार्य को में रुचि रखे ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यदि आप प्रयोग करने में रुचि रखेंगे तो प्रयोगशाला का संचालन की योग्यता भी आप में होगी ठीक है ना। प्रयोगशाला की इस प्रकार व्यवस्थित होगी ठीक है और प्रयोगशाला में क्योंकि आपको उपकरणों की जरूरत है और किस प्रकार की उसका संचालन करना ये सही योग्यता उसमें आ जाए और ये योग्यता जब उसमें आ गई तो वह बहुत ही अच्छा शिक्षक बन जाएगा। फिर मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है आज मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है कम से कम मैं उसकी घर पर तैयारी करके आऊँ जिससे क्या हो कि मैं आपके सामने उस बात को सही और सही दिशा में रख सकूँ यानी पाठ की तैयारी और पाठ की तैयारी होगी तो मेरी भाषा उसी प्रकार की होगी। भाषा बता देती है कि मेरे पाठ की तैयारी किस प्रकार है। मेरे पाठ की तैयारी नहीं होगी तो मैं इधर उधर की बातें करूँगा और उधर समय निकालने की कोशिश करूँगा। तो पाठ की तैयारी के साथ साथ में आपको अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए ठीक है। अब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें कृषि से संबंधित कोई आगे की बात या मिट्टी से संबंधित आ गई या पेड़ पौधों से संबंधित आ गई है या जलवायु से संबंधित बात आ गई तो आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आपको आंसर देने में दिक्कत आ सकती है। तो क्या आपको क्या करना चाहिए सामान्य जानकारी हर एक सब्जेक्ट की आपके पास में
होनी चाहिए। इसके अलावा आप उन बालकों का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। बालक आपसे कोई राय लेते हैं या कोई प्रश्न करते हैं तो आप उनको सटीक और सही जानकारी दें, और यदि आपको हो सकता है आपके पास कोई जानकारी नहीं हो तो आप उसको यह कह सकते हैं कि भाई आज नहीं, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का आंसर कल बताऊंगा, लेकिन उसको गलत तथ्य ना बताएं, क्योंकि वर्तमान में शिक्षक यह सोचता है कि मैं बच्चों को कैसे कहूं कि यार इसका प्रश्न का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, और बच्चे क्या सोचते हैं। यह यदि कोई शिक्षक सोचता है तो वह बहुत ही गलत सोचता है। आप उसको गलत बताकर न बताना अच्छा है, गलत बताना बहुत ही बुरा है, ठीक है ना। और आप सर्च कीजिए, देख कर आइए और उसको जानकारी प्राप्त करके फिर बच्चों को बताइए, तो उसमें अच्छा है। और बच्चे भी ये सोचेंगे कि सर यह शायद जानकारी पूर्ण नहीं थी, उन्होंने जानकारी तथ्य आपने इकट्ठे किए और तथ्यों के साथ में बच्चों के सामने पूरा आप प्रस्तुत करोगे तो वह बच्चे आदर सम्मान करेंगे। और यदि आप गलत बता दें, क्योंकि वर्तमान समय तकनीक का युग है, इंटरनेट का युग है, इसलिए बच्चे जो प्रश्न करते हैं वह प्रश्नों के आंसर उन बच्चों को लगभग आते हैं, इसलिए वह उन प्रश्नों की बातें भी लगभग जानकारी रखते हैं, और यदि नहीं भी है तो वह कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे नवाचार में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए वह हर तरफ से कोशिश करेंगे। अब फिर आता है नवीन सामग्री से संपर्क। अब मैं मुझे टॉपिक पढ़ाना है तो मुझे हर समय नवीन तथ्यों, नवीन जानकारी के साथ में और नवीन पत्र पत्रिकाएं आती है उनका उपयोग करूँ, और क्यों नहीं हो मेरे नोट्स सन 1990 के बने हुए हैं और उसी नोट्स से आपको भी पढ़ा दिया, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स भी पढ़ चुके हैं और आज आप पढ़ रहे हो, फिर कल आपके बच्चे आएंगे वो भी पढ़ेंगे, तो ये गलत है। हमेशा जो इस साल आप नोट्स लिख पाए उसमें कुछ परिवर्तन होता है, एक साल में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, तो आपको नवीन सामग्री से संपर्क फिर आपका निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। अब निष्पक्ष दृष्टिकोण से यहाँ आज है क्लास से भी है, बालक विशेष से भी है और अपने विषय से संबंधित भी है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसकी पढ़ाई करिए, उसकी विशेषताएं बताइए, उसकी अच्छाइयाँ बताइए, और लेकिन अन्य विषय की आप उससे तुलना कर सकते हैं, लेकिन उसको यूं नहीं कह सकते कि यह अर्थहीन है, इसको नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, इसको पढ़ाने वाले शिक्षक टेंथ में है, एट बोर्ड में जब तैयारी करवाते हैं तो बालकों को धक्का ये कहते हैं कि बच्चा जब कभी हिंदी पढ़ता है या संस्कृत पढ़ता है या सामाजिक पढ़ता है तो अध्यापक ये कहता है और संस्था प्रधान भी कहता है, कहता है उसके साथ में संस्था प्रधान भी कहता है अरे हिंदी क्या पढ़ना, हिंदी में तो वैसे ही तुम पास हो जाओगे या SSC का पढ़ना पास हो जाओगे, इसलिए अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए। हर विषय की अपनी अपनी
अनुमेय होती है, उसकी भूमिका होती है, इसलिए आपको निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना पड़ता है। फिर आप में सहनशीलता का संभावना होने आवश्यक है। सहनशीलता की भावना नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सहनशील न अति आवश्यक है। इसके साथ में नवीन परीक्षा पद्धति का आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में कोविड के कारण परीक्षा पद्धति बदल गई है, तो हमें इसका ध्यान रखनी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप में अभिव्यक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत कर लें, यानी अभिव्यक्ति क्षमता आपने होनी चाहिए। इसके साथ साथ आत्मविश्वास होना चाहिए, साथ में ही अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के प्रति सजग होना चाहिए। ये मुख्य रूप से शिक्षक के उत्तरदायित्व माने गए हैं। तो आज हमने भौतिक और रसायन विज्ञान शिक्षक के उत्तरदायित्व में ये बारे में पढ़ा, इसमें विषय का पूर्ण ज्ञान उपयोग करने की क्षमता हूँ, प्रयोगशाला के संचालन की योग्यता, पाठ की पूर्ण रूप से तैयारी करके आए हैं, विषय काफी समुचित ज्ञान रखें, पद प्रदर्शन की क्षमता हो, नवीन सामग्री से संपर्क रखें, निष्पक्ष दृष्टिकोण रखें, इसके साथ ही सहनशीलता हो, नवीन परीक्षा पद्धति का ज्ञान हो, अभिव्यक्ति की क्षमता हो, अनुशासन हो एवं उसकी नेतृत्व करने की क्षमता हो, बाल बंधु ज्ञान हो, उसका आत्मविश्वास अच्छा हो, तो इन के आधार पर हम उसको एक शिक्षक के अच्छे उत्तरदायित्व को वह निभा सकता है। तो आज का हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है।